720 लक्ष्मी जी की है ना। हाँ लक्ष्मी जी है। इसमें एक प्लेट वाला भी है, वो भी दिखा दे। ये कितने का पड़ेगा पूरा? ओ ये आप उसके लिए देख रहे हो सोफे वगैरह के पीछे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू TIO टीवी। तो गाइस आज हम तीन लोग मिलेंगे आपको। ये छोटी सिस्टर है जिसे सोनी दीदी के नाम से आप जानते हो, मैं मिनी दीदी, और ये भाभी। आज हम लोग मुरादाबाद आए हुए हैं। हाँ तो मुरादाबाद क्या है, एक्चुअली ब्रास के लिए फेमस है और मुरादाबाद में ब्रास के आइटम बहुत अच्छे मिलते हैं। जो ब्रास की मूर्तियाँ हैं भगवान जी की, वो बहुत अच्छी मिलती हैं। डेकोरेशन के आइटम बहुत अच्छे मिलते हैं और ये वैसे भी फेमस है मुरादाबाद एक्सपोर्ट के आइटम के लिए। तो आज हम वही कवर करने जा रहे हैं। वैसे तो मेरा देखा हुआ है, तो मैंने सोचा चलिए अपने बहाने आप लोग को भी पीतल नगरी के दर्शन करा देती हूँ। घुमवा देते हैं, चलिए आपको भी आइडिया मिलेगा। और हाँ, अगर मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिल पाएंगे ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपको शॉप्स के, ताकि अगर वो मिल सके। चिड़ियों की कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है ना। हाँ सामने पेड़ पर एक कोयल रहती है। और पता है मुझे लगता है पीतल यहाँ पर और जगह से तो सस्ता मिलता होगा। हाँ यहाँ पर एक्चुअली क्या कोई भी सामान है ना पीस के हिसाब से नहीं मिलता, वेट के हिसाब से मिलता है। जितनी भी पीतल चल रही होती है 500 रुपए किलो 800 रुपए किलो, उस हिसाब से वेट करते हैं कि 500 ग्राम का है या 1 किलो का है वो आइटम, तो इसी हिसाब से हम खरीदते हैं। बाकी अब मुझे नहीं ट्रेंड पता, 4-5 साल पहले तो यही ट्रेंड था, अब देखिए क्या होता है, बदल गया है, मार्केट जाने पर ही पता चलेगा। तो चलिए, पीछे बच्चों ने भूत बन के एक्टिंग करी अभी। अच्छा आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो चलिए आप लोग चलिए चलते हैं, मार्केट चल रहे हैं हम लोग। बोलो हेलो व्यू प्रकृति का। और हम लोग जा रहे हैं मार्केट में और ई रिक्शा हमने ले लिया है, तो अब हम डायरेक्ट जाएंगे मंडी चौक। मौसम अच्छा है तो अच्छा लग रहा है जाते हुए। तो ये है ना मुरादाबाद का पुलिस लाइन वाला एरिया है, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शांति रहती है, ग्रीनरी रहती है। तो यहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग एकेडमी भी है। मुरादाबाद में पीतल की जो मार्केट है वो कई जगह पर है, मंडी चौक में है, भट्टी स्ट्रीट में है, और अंदर गलियों गलियों में ही है मंडी चौक की। काफ़ी जगह यहाँ पर पीतल का सामान मिलता है, बहुत ही सुंदर मिल जाता है, बहुत सुंदर सामान मिल जाता है। और ब्रास का जो आइटम है ना वो एक्सपोर्ट होता है, तो गाइस यहाँ पे इसे ही है ना बड़े बड़े शोरूम्स में सामान जाता है, जो आप बड़े बड़े शोरूम्स में देखते हो इतने सुंदर सुंदर सामान मिल जाते हैं। तो ये सारस वाली जो प्लेट है ये 1200 रुपए की है, ये 800 रुपए के हैं, बहुत ही सुंदर पीतल के कलश हैं। और ये वुडन बाउल का जो है ये 800 रुपए के आसपास का है। और ब्रास का तो गाइस बहुत ही सुंदर सामान था। यहाँ पर ब्रास है ना आपको वेट के हिसाब से मिलती है, तो जितने हिसाब से आपका ब्रास चल रही होती है उसी की तोल करके ही आपको सामान मिलता है। यहाँ पर एंटीक सामान भी बहुत अच्छा मिल रहा था। ये देखिए ये तांबे के सब सामान है, और ये ग्रामोफोन भी चलता हुआ है, और ये है ना अगरबत्ती के स्टैंड है। मम्मी वाला दूसरा, मम्मी वाला ये वाला है, ये वाला दिखाना है। ये अच्छा लग रहा है, ये किसने का है? पहले बल्कि तो ये है ना अगरबत्ती के स्टैंड है, तो किसी शॉप पर ये मुझे 120 का बता रहे थे, किसी पे 90 का। और मैंने जो, और इन अंकल के ना बहुत छोटे छोटे सामान बहुत अच्छे मिल रहे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे खरीदे थे, वो 80 रुपए के खरीदे हैं। मुझे कुछ है ना पीतल का सामान सेल करना था, तो मैं ब्रास मेरे टूट गया था ना ये वाले, तो सिर्फ सेल कर रहे हो, तो ये किस हिसाब से करते हैं सेल बता देंगे आपको, तोल के भाव के सब तोल के हिसाब से। हां तोल जाएगा 460 रुपए के। ओके 500 रुपए चल रही है ना, 460 कितना तोल आया ये 2 किलो 800 ग्राम है। हां जी कितना बचेगा ये बेटा आपका? 1288 रुपए का। अरे लगभग 13 रुपए कर देती हूं मैं, ले लेके ही कर दीजिए आप, 13 तो ही कर दीजिएगा आप। अलग अलग रेट में है, जैसे ये गैस और ये पूरा, ये सेट में 75 का, 75 रुपए का है, ये 60 रुपए का है, पूरा 3 का लश्कर, ये 70 का सब पीसल। ये रेट बता रहे हैं आप या फिर रिटेल? बाल्टी है, भगोने के हैं, भगोने का सेट अच्छा लगा है ना, अच्छा लग रहा है।
वो कितनी का ही? इन अंकल के है ना बहुत ही छोटा छोटा सामान बच्चों का बहुत खूबसूरत मिल रहा था, और इनका जो है ना फोन नंबर मैंने आपको वीडियो में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और ये सारा सामान है ना ब्रास का है, पता है पीतल में ये छोटा छोटा आइटम जो है मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, और गाइस यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत था। और इनकी जो शॉप है वो भट्टी स्ट्रीट में है। स्टील वगैरह में तो जैसे आती है, दिखाना ना एक मिनट इधर इधर। वाह छोटू सा, ये बच्चों के खिलौने तो बहुत अच्छे हैं। आए ना हाँ, अब चला एलईडी लैंप टाइप होगा। हाँ देखो एलईडी वाला है ब्रास का। ये कूलर भी चलता है और ये फैन भी चलता है। फैन ऑन करूँ क्या भैया? कर दूँ ऑन? कर लीजिए कर लीजिए। बैटरी होगी इसके अंदर? नहीं हो रहा भैया, एक मिनट ये करेंगे। उसको ले होगा तो ले जाएंगे। फैन चल रहा है और लाइट भी चल रही है इसमें, हवा भी सही है। मैं सुखा ली सब शॉप कीपर के यहाँ होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, तो ये आपको घर बैठे बैठे सामान पहुँचा दे। इसका बड़ा वाला है क्या? इसका चलाइए, पानी भरेंगे। अच्छा अरे वाह, ये चलता ही रहेगा। अच्छा अरे वाह, तो ये 12 बर्तनों का पीतल का किचन सेट है और ये बहुत ही खूबसूरत था। पीतल का है सबसे बड़ी बात, वो बाल्टी दूसरी आती है, वो अंदर से वाइट होती है, बाहर से ब्रास की होती है। वो आपको सामने मार्केट में मिलेगी। ये कितने की है वैसे? ये 90 रुपीज की। वैसे क्या बोल रहे हैं सर्विंग में, जैसे अगर आप घर में दिखाऊं? ब्रास का कलर होता है वही निकल गया है, ये थोड़ा हल्की क्वालिटी में, थोड़ा हैवी में भी मिलेगा क्या? तो इनकी है ना दो शॉप थी, एक हैंडीक्राफ्ट के आइटम की और एक मेडल की शॉप। ये कितने का पांदा है? 850 का पांदा है। कितने कितने से स्टार्ट है? 30 से स्टार्टिंग है। बाकी में इसके सबके सबसे छोटे वाला जैसे ही रखा है ना उसको बोल रही है, ये वाली 30 है, इसके सबसे लास्ट वाली। इसमें नाम वगैरह आप ही करा के दे सकते हैं? नाम वगैरह कराएंगे उसका, एक वही शीट निकलती है इतनी बड़ी। अच्छा। 13 बाई 19 उसमें साइज के अकॉर्डिंग जितने भी स्टिकर आ जाए, 1 का आ जाए, 10 का। अच्छा। आ जाए, 100 आ जाए उसको। बाकी ये मेडल इसमें 100 पीस का पैकेट होता है कम से कम। 100 पीस का ये पीस है। वैसे अगर आप सिंगल लेंगे तो सिंगल लेंगे तो 10 रुपये। तो मुरादाबाद में ना ट्रॉफीज़ की जो होती है ना बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर मेडल्स मिल रहे थे और गाइस बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफीज थी और बहुत कम रेंज में थी। ये शॉप भी है ना भट्टी स्ट्रीट में ही थी और इनके अभी बहुत अच्छे आइटम्स हैं। ये पीतल में है? ये आयरन में, पीतल में। बेलन में है? हाँ ये ऐसे है और ये आठ इसका है। कितने का है? 950 पूरा सेट। अच्छा जी। हाँ ये दो और हैं 950। ये वॉच देखिए, टायर में वॉच बना रखी है। और गाइस यहाँ पर हुक्के की जो डिजाइन थी बहुत ही खूबसूरत थी। सर को हाँ, ये 1250 का है। तो यहाँ पर सारा सामान है ना देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बड़े सुंदर सुंदर प्लांटर्स हैं, मूर्तियाँ हैं और सारी दुकानों पे ना पीतल का सामान भरा ही पड़ा है। तो हम एक स्टील की शॉप पर आए भैया। हाँ एक अंदाजा दिया है, बाकी वेट हो जाएगा। मतलब आधा किलो की, वो आधा किलो की है? हाँ ये भी आधा किलो की है। ये 6 कितने की पड़ेगी? 3 किलो। 3 किलो 60 ग्राम है ना? हाँ 140 173 का बैठे। इसमें एक प्लेट वाला भी है, वो भी दिखा दे। ये कितने का है पड़ेगा पूरा? ये 1450 का है। छोटी वाली तो है मेरे पास, लेकिन स्टील में छोटी छोटी इसके साथ कटोरियाँ हैं, लेकिन कभी कभी ना जैसे मैंने देखा है बहुत अच्छा लगता है लगाने के लिए। जन्माष्टमी वगैरह के लिए देख रहे हो गए, जन्माष्टमी हो गया और भोजन थाल है। टोटल 1040 में 6 पीस मिलेगा और आधा किलो। इनके पास पीतल का भी है सेट, कैसे है यहाँ
ये पीतल का भी सेट है इनके पास। तो ये कितने का बोल रहे थे? ये 1400 का, 1450 का। तो अब हम आ गए हैं मेटल के हैंडीक्राफ्ट की शॉप पर, और इनके सारा टोटली सामान मेटल में ही था, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी। ये कितने का है? 400 का किलो है। तो तो यहाँ पर भी हैंडीक्राफ्ट का जो सामान मिल रहा था 450 रुपए किलो में मिल रहा था। मेटल होता है इसी में तो मम्मी मेरे लिए गणपति लेके गई है। इन एंटीक हैंडीक्राफ्ट की एक खास बात रहती है, इनकी चमक ऐसी ही रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। कृष्ण जी की वो पर्वत उठाई, राधा कृष्ण का पैर, अलग अलग मूर्तियाँ लेकिन पैर में ही मुझे लगा। लक्ष्मी जी की है ना? हाँ, लक्ष्मी जी है। 720 का। तो ये भी इनकी शॉप का कार्ड है और ये भी ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। तो अब हम आ गए हैं थोड़ा सा आगे बढ़कर एक गली में, और यहाँ पर है ना, इस गली में आपको है ना बहुत सुंदर सुंदर ब्रास के आइटम मिल जाएंगे। मतलब अभी तो है ना इनकी चमक कम है, लेकिन अंदर जो पॉलिथिन में रखे हुए थे ना पीसेस, बहुत ही सुंदर लग रहे थे, एकदम चमकते हुए। और यहाँ पर भी जो पीतल का सामान मिल रहा था ना, बहुत ही सस्ता मिल रहा था, वेट के अकॉर्डिंग ही मिल रहा था। और मैं अब आ गई हूँ एक और हैंडीक्राफ्ट की शॉप पर, और इनकी शॉप का एड्रेस आगे वीडियो में। बहुत अच्छा लगता है, इसको लग जलाओ दिवाली पे। 220 का है, बहुत सारी चीजें हैं इनके पास। ये भी, ये सब दिवाली के आइटम है सब। तो ये आप उसके लिए देख लोगे सोफे वगैरह के पीछे। ये जो वॉल डेकोर है इसका प्राइस 2400 रुपए है, और ये जो गोल्डन वाला आगे रखा है इसका प्राइस 800। ब्लैक में है, लेकिन हमें मेहरून सा कुछ शेड हो गोल्डन के साथ। मिल जाएगा, गोल्डन मिल जाएगा। एक्चुअली मेरे सोफे मेहरून में। ये किस रेंज का भैया? 2400 रुपए। ये मुझे इसका बड़ा मिल जाए तो सिंपल लगेगा ना। मोबाइल निकाल लो। अच्छा, सुंदर है। फिर ये ब्लैक आ गया। गोल्डन और स्लेटी ये भी सेम रेंज में है। मैरून चाहिए, यही शेड में मैरून चाहिए, क्योंकि हमारे ना सोफों का कलर मैरून में, वाइन कलर दिखा देते घर के लिए। ठीक है, ठीक है, चीज है इनके डिजाइन है। डोना की डोना क्या हुआ? देख ले रहा है इसका डिजाइन है। सब जो वॉल डेकोर दिखाया है ना उन्होंने, ये 2400 के आसपास ही है। कोई 2000 का है, कोई 2200 का है, कोई 2400 का है, कोई 2600 का है। इससे ज़्यादा के इनके पास वॉल डेकोर के प्राइस नहीं है, और बहुत अच्छे डिजाइनिंग थे इनके। और देखिए इनकी शॉप से फिर हम आगे बढ़ चुके हैं। तो ये अभी हम है ना अमरोहा गेट पर हैं, और अमरोहा गेट, मंडी चौक, ये सब आसपास है, और ये सारी ब्रास की शॉप्स हैं। यहाँ पर है ना स्टील का सामान भी बहुत फेमस है, तो बर्तन बाजार कहते हैं इसे। मंडी चौक में ही बर्तन बाजार है, पीतल का आइटम मिलता है, बर्तन भी मिलते हैं। तो यहाँ पर है ना सब तरीके का सामान मिलता है। ये देखिए गाइस, ये सारा सारा पीतल का ही वो है, जहाँ पर आपको पीतल का ही सामान मिलने वाला है। तो कभी आपको अगर आना हो मुरादाबाद तो आप ले सकते हो। यहाँ पर पता है पतली पतली सी गलियाँ हैं, और उसके अंदर बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं। तो अब हम आ गए हैं मुरादाबाद की फेमस मिठाई शॉप पे, बाबूराम हलवाई पे। ये मंडी चौक में ही है। पुरानी है ना? हाँ, 1891 की है। तो आपका सबसे फेमस चीज़ क्या है आपकी दुकान में? हमारे यहाँ जो है समोसा तो है, वो है, इमरती है, जलेबी है, सोन पापड़ी है, बालूशाही है, रसभरी है, मूंग दाल का रसगुल्ला बोलते हैं, बेसन का लड्डू है, आटे का लड्डू है, मलाई गिलोरी है, मलाई रोल है, दूध की लोज है, घिया की लोज है, बहुत से आइटम है। बाबूराम हलवाई के ना समोसे बहुत फेमस है, तो हमने समोसे पैक कराए हैं, और इनके ना सुबह दाल और जलेबी भी मिलती है, बिल्कुल सुबह सुबह मिलती है वो। और अब हम है ना घर जाने के लिए ई रिक्शा ढूंढ रहे हैं। चलो भैया चलो प्लीज। बहुत पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। और हमें हमारे कब मिलेगा? तो हम लोगों को आपको दिखानी थी पीतल नगरी, वो हम लोगों ने आपको दिखा दी। आपको कैसा लगा ये व्लॉग बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अब हम ना वेट कर रहे हैं ऑटो के लिए, कोई हमें लेके नहीं जा रहा वाले भैया का।
ठीक है, चल रहे हैं हम तो 11 नंबर की गाड़ी पे ही हैं। फाइनली हमें ना एक ई रिक्शा वाले भैया मिल गए हैं और अब हम घर पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं घर पर। तो ये लिया है हमने कुकर, एक कढ़ाई मिली है, इसमें चूल्हा मिला है और ये सिलेंडर मिला। कितने का लिया तू? ये 95 का। ये 95 का लिया है। हाँ, हम लोगों ने 4 लिए हैं, सबने एक एक ले लिया। मम्मी के पास एक्चुअली पहले से था तो हमने मम्मी को देख के ही लिया ये। और हम समोसे भी पैक करा के लाए। ये लेकर आई है चाय वाला, चाय का सेट है। ये कप से छोटे छोटे कप। ओ मम्मी क्या लाई आपके लिए? टी वाला। कैसा लगा आपको? ये गैस है ये? हाँ, ये तंदूर टाइप जैसे। उसमें वो क्या करेंगे इसमें? मैं क्या भर सकता हूँ? चाय बना के रख सकते हो उसमें। चाय रख, पानी रख या कोल्ड ड्रिंक रख के फिर देना कप में।